नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। गुजरात के सतलासाणा के राजपुर टिम्बा उत्तर बुनियादी विद्यालय में 71वां तालुका स्तर वन महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण के बारे में जानकारी दी गई। गुजरात के सतलासाणा के राजपुर टिम्बा उत्तर बुनियादी विद्यालय में आज रोज 71वां तालुका स्तर वन महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अजमल ठाकुर, खेरालू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक, खेरालू प्रांत अधिकारी एमएन डोडिया, मामलतादार कार्यालय मामलतादार सज्जन सिंह चौहान, तालुका अधिकारी गीताबेन ठाकुर और सतलासाणा तालुका भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीनू सिंह चौहान उपस्थित थे। वहीं सतलासाणा तालुका के सेवानिवृत्त आचार्य और स्कूल के एक शिक्षक मानसिंह भाई चौधरी ने पर्यावरण के बारे में जानकारी दी। कहा कि अगर आप 100 साल तक खुश रहना चाहते हैं तो आपको जीवन में एक बगीचे की योजना बनानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट एचबीएन न्यूज। मंच पर उपस्थित लोक लाडीला धारा सभ्य श्री अजमल भाई, मारा साथी कर्मचारी अने मामलतदार श्री सज्जन सिंह, तालुका विकास अधिकारी बेन, आरएफओ श्री वीरेंद्र सिंह, माननीय जिला सदस्य श्री विनुभा तथा आरएफओ तथा एमनी टीम, अत्रे उपस्थित ग्रामजनों, शिक्षक मित्रों, आम तो बधा આપણે કોઈને કોઈ રીતે બધાની સાથે વાત થઈ અને પરિચય મેળવ્યો, એમ એક તંત્રના જ ભાગરૂપ છીએ અને પરિવારની જેમ જ એકઠા થયા છીએ। સતલાસણાની આ આખી ટીમ સાથે મારે આ પહેલી વખત મળવાનું થયું છે, પણ આખી ટીમ તથા આરે ખુશ્રી એમનો સ્ટાફ, અન્ય કર્મચારીગણ, આગેવાન મિત્રો, ગમે તે રીતે આપણે બધા જાણીએ જ છીએ, કંઈક ને કંઈક વસ્તી માહિતી મેળવેલી હોય છે, પણ વન મહોત્સવની શરૂઆત કોને કરી એ એક જાણવા જેવું છે કે કનૈયાલાલ મુનશી એમની આ વન મહોત્સવની શરૂઆત કરેલી, એ પણ ગુજરાતના જ હતા। મારી દ્રષ્ટિએ થોડું એક કંઈ જે કંઈ નવું નવું કામ થયું છે, ગમે ત્યારે સમાજને માર્ગદર્શન રૂપ આપવાનું થયું છે, ત્યારે ગુજરાતીઓએ જ કામ કર્યું છે। આ વન મહોત્સવનું કામ કનૈયાલાલ મુનશી કર્યું, એ જ પ્રકારે સ્વતંત્રતા લેવા માટે એ પણ આપણા બે સપૂતો જ હતા, ગોધીજી અને સરદાર પટેલ। એ જ પ્રકારે જ્યારે આટલા વર્ષો પછી જો ભારતની અંદર જો કંઈ નવી ક્રાંતિ આવી, આપણાના બે જ સપૂતો નરેન્દ્રભાઈ અને અમિતભાઈ, અરે હા, એ બે જણા તો લગભગ ટૂંક સમયની અંદર 370 કલમ નાબૂદ। એકતા કા રાજ ચલેગા, હિન્દૂ મુસ્લિમ સાથ ચલેગા। મુશ્કિલ ઇસ રાહ મેં મુસ્કાન નહીં છોડુંગી, ઊંચાઈ કી ચાહ મેં સ્વાભિમાન નહીં છોડુંગી। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट के घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, प्रभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।